अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कॉलरशिप काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HEC की जानिब से लेटेस्ट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है, उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि HEC की स्कॉलरशिप का जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, कुछ नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है, यानी जिन्होंने 2022 के अंदर एडमिशन लिया है किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, या जिन्होंने एडमिशन लिया है 2023 के अंदर किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो वो इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा हासिल कर सकता है। मैं आपके साथ इसकी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो शेयर करूंगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप से क्या फ़ायद मिलेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, चलान आपने किस तरह से पे करना है, चलान की अमाउंट कितनी है। तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेंगी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ सकें और आप जो हैं बाद में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने HEC का जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान, इसका पोर्टल ओपन कर दिया है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहां से मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डिटेल्स हैं, आप इनको ख़ुद भी रीड कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। बाज़ात कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं हमारे बताने में। तो गिलगित एंड बल्तिस्तान और उसके मुल्क का जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जितना भी एरिया है उन सभी के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती है। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अगर हम देखें तो ऐसे तमाम एप्लीकेंट्स जिनका डोमिसाइल लोकल सर्टिफिकेट गिलगित और बल्तिस्तान का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेंट का जो सेकेंडरी स्कूल है यानी मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी HSSC इंटरमीडिएट या उसके इक्विलेंट जो भी है वो गिलगित और बल्तिस्तान के उसके क्लियर होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके बाद जिन्होंने पहले किसी स्कॉलरशिप से फ़ायदा हासिल किया हुआ है किसी भी HSC या गवर्नमेंट की तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपका इनरोल होना ज़रूरी है BS प्रोग्राम के अंदर। अगर आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोलमेंट ली है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आपका सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर डिटेल्स हैं सिलेक्शन के मुतालिक तो उसको हम देखते हैं। आपने HEC की वेबसाइट पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। उसके अलावा आपका HEC का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा HEC का ETC के थ्रू से, जिसमें आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है, क्लियर करना लाजमी है। और ये टेस्ट जो होता है ये एक साल के लिए वैलिड होता है। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, अगर आपने HAT वगैरह का टेस्ट दिया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं, या फिर आप ETC का न्यू टेस्ट जो भी होगा अप्लाई करने के बाद तो उसमें भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है उसके अंदर आपके जो जिसके जरिए आपका मेरिट बनता है उसमें 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स, 40% आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स और 50% आप जो HEC का टेस्ट अभी करेंगे और उसमें जो मार्क्स लेंगे उससे 50% मार्क्स, यानी आपके 10% मार्क्स होंगे मैट्रिक में से, उसके बाद 40% मार्क्स काउंट होंगे इंटरमीडिएट में से और 50% मार्क्स आपके काउंट होंगे आप जो टेस्ट क्लियर करेंगे उसमें से। तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा और इसी मेरिट क्राइटेरिया के तहत आपकी सिलेक्शन होगी। इसके अलावा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपकी जो इस क्राइटेरिया के तहत, तो आपको HEC का जो भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ये इनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मुकम्मल डिटेल मौजूद है, एडवर्टाइजमेंट भी HEC की वेबसाइट पे है। इसमें आपको ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी और अदर चार्जेस मैक्सिमम 2,40,000 पर ईयर, स्टाइफन आपको मिलेगा 15,000 रुपये पर मंथ। उसके अलावा बुक एंड ट्रेवलिंग अलाउंस 30,000 पर अनम यानी पर ईयर ये आपको मिलेंगे, यानी अच्छी खासी अमाउंट है। आपकी डिग्री के अलावा भी जो आपके दीगर अखराज आते हैं, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन अखराज आते हैं तो वो भी आपके इसके थ्रू कवर होंगे, आपके बुक्स वगैरह के भी इसके थ्रू कवर होंगे, तो जितने भी आपके अखराज आते हैं वो सारे के सारे इसके ज़रिए से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते हैं जिनसे आप अपनी दीगर तलीमी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई के दौरान आपने 500 रुपये का चलान पे करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दिया हुआ है। चलान भी आपका ऑनलाइन जनरेट होगा, आपने वहीं से करना है। अगर आपका ऑनलाइन जनरेट आपसे नहीं हो रहा तो आपने HBL की किसी भी ब्रांच में जाके वहाँ से उनका ऑनलाइन वाला डिपॉजिट वाला आप पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर आपने अकाउंट नंबर 1472790133401, अकाउंट टाइटल हायर एजुकेशन कमीशन, ब्रांच कोड है 1472 इस्लामाबाद, तो आपने ये डाटा फिल करने के बाद 500 रुपये का चलान
यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपीज़, 500 रुपये का चलान आपने पे करना है, उसकी डिपॉजिट स्लिप जो है वो भी आपने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है। 30 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, आप 30 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप HEC आपको एडमिशन लेके नहीं देता, आपने एडमिशन खुद लेना होता है, यानी अभी अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन ले लिया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर आपने लिया है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं, यानी एडमिशन आपने खुद लेना होता है, लेकिन उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद जब एलिजिबल हो जाते हैं तो HEC आपकी फीसेस वगैरह की मद में आपके अकाउंट में ये पेमेंट वगैरह सेंड करती है। ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आपको देता है। ऐसा नहीं कि आपकी GB की यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, आप कल डोमिसाइल वो GB से है और आप किस पाकिस्तान के किसी भी शहर में, लाहौर, कराची, मुल्तान, बावलपुर, कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिट हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपने ई पोर्टल के ऊपर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने न्यू अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो टेस्ट का क्राइटेरिया होता है, टेस्ट का पूरा यहाँ पे शेड्यूल आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग वगैरह ये वो जितनी भी आपका जिस तरह से आपका पेपर सेट होता है उसकी मुकम्मल डिटेल है, PDF की फ़ाइल आपको मिल जाएगी इसमें से। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपने हायर एजुकेशन के ई पोर्टल के ऊपर अगर आपने पहले से कोई भी अकाउंट बनाया हुआ है, किसी भी टेस्ट के लिए अपेयर हुए हैं तो आपने सिंपली साइन इन करना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से रजिस्टर के ऑप्शन से अपने आप को रजिस्टर करना है। इसमें अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप पुट करेंगे और उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है, आपकी जीमेल के थ्रू, आपके नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन होती है इस पोर्टल के लिए। उसको कंप्लीट करने के बाद आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यू अकाउंट बनाने के लिए मौजूद है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ से आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है पाकिस्तानी, उसके बाद अपना CNIC या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC, CNIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे विदाउट डैशेज। इसके बाद आपने अपना रीजन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप GB वगैरह यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, 8 करेक्टर का होना चाहिए मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, मिक्स बना लें लेटर भी और उसके बाद वर्ड्स वगैरह भी। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन आएगी, वो वेरिफिकेशन आप करेंगे। इसके बाद ईमेल लिखना है, इसकी वेरिफिकेशन आएगी सेंड कोड के थ्रू, इसको करना है। लास्ट पे ये कैप्चा दिया हुआ है, यही वाला सेम एज़ इट इज़ आपके पास जो शोर होगा आपने लिखना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें आपने अपनी मुकम्मल डिटेल्स लिखनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, दीगर जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड की गई हो आपने उनको पुट करना है, और उसके बाद टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। चलान पे करने के बाद उसकी रसीद डिटेल्स वगैरह, और इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा, और टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद बाकी वही डिटेल्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस सारे प्रोसेस में से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारामद वीडियोज़ स्कॉलरशिप्स के मुतालिक आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे अपडेट रह सकें और साथ में अप्लाई भी कर सकें। तो अभी जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डेली एक वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आप तक अपडेट्स पहुँचती रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।